करनाल जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। करनाल जिले में पहले आए 6 मरीजों से हड़कंप मचा हुआ था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब 2 मरीज भर्ती थे, उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 रिपोर्ट आने के बाद इनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा। बता दें, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निदेशक जगदीश दुरेजा ने बताया कि फिलहाल जिले में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं है। दो मरीज थे, वो भी कोरोना नेगेटिव आए हैं, तो पूरी मामला अभी आपको जैसे पता है कि पहले हमारे पास 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पहले नेगेटिव आ चुकी है। अभी हमारे पास 2 ही मरीज जो मीनू और रविंदर हैं वो बचे हुए थे, उनका भी आज जो टेस्ट रिपोर्ट रिसीव हुई है वो नेगेटिव है, और इनकी दूसरी रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी उसके बेसिस पर निर्णय ले लिया जाएगा, इनको डिस्चार्ज कर दिया।